है एवरीवन, वेलकम बैक। तो दिवाली हो गई है और हम आ गए हैं अपने नॉर्मल रूटीन पे। दिवाली पे जो भी सारे डेकोरेशंस किए थे उन सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन हम वापस से करने वाले हैं, और कुछ बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो ट्रेवलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सो दोस्तों, इस बार ना दिवाली पे मैं गई हुई थी अपने ससुराल, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो मैंने अपने घर का नहीं किया था, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस के लिए मैंने डेकोरेशन अपने घर का ज़रूर किया था। तो उसी सारे डेकोरेशन के आइटम्स को हम वापस से ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे वापस रखने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर हम उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाए और बार बार हमें उनमें पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो यही सही टाइम है, जो भी डेकोरेशन के आइटम आपने इस दिवाली यूज़ किए ना दोस्तों, बस उनको वापस से निकाल लीजिए और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आप उन्हें अच्छे से रख देंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपको इनमें बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा और बार बार आप इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही आइटम प्लास्टिक्स के बने होते हैं, फिर चाहे वो लाइट्स हो या कैंडल होल्डर्स हो या फिर इस तरह की मालाएं हो जो हम अपने दिवाली के टाइम पे डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से अरेंज करके नॉर्मल से एक कार्टन बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर जब नेक्स्ट ईयर दिवाली का टाइम आएगा तो आप इन्हें वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप संभाल के रखेंगे ना दोस्तों, तो पैसा तो आपका बहुत सारा बच ही जाएगा और बार बार इनको खरीदने के लिए आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स मैंने इस दिवाली यूज़ किए थे अपने घर को सजाने के लिए, उनको मैं वापस से अरेंज कर दूंगी। और इनको अरेंज करने के लिए प्लास्टिक के पॉलीथिन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कार्टन बॉक्स भी हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, उनको एज अ ऑर्गेनाइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं ना दोस्तों, उनको कभी भी डायरेक्ट ऑर्गेनाइज मत कीजिए। मीन्स आप डायरेक्ट कहीं भी किसी भी सेल्फ में रख देंगे तो उन पे डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाएगी। इनको हमेशा कवर करके रखिए, प्लास्टिक के पॉलीथिन्स जो आते हैं उनमें आप इनको कवर कर सकते हैं। बहुत सारे बैग्स भी हमारे घर में रखे होते हैं, कपड़े के बैग्स हो या कुछ भी हो, उनमें इन सारी चीज़ों को कवर करके रखेंगे तो कभी भी इन पर डस्ट नहीं आएगी, और जब नेक्स्ट ईयर आप इन्हें निकालोगे तो हमेशा ये आपको नए ही दिखेंगे। सेलो टेप से मैंने इस कार्टन बॉक्स को अच्छे से कवर कर दिया है, और इस पे नाम मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जो भी चीज़ें आपने इसमें ऑर्गेनाइज की है उस पे ज़रूर उनका नाम मेंशन कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे यूज़ करो तो आपको इसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे कैंडल होल्डर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे अपने घर को सजाने के लिए, उनमें मैंने बहुत सारे अपने पुराने घर के बर्तनों को भी यूज़ किया था, तो वो सारी चीज़ों को भी अच्छे से अरेंज करके रखने का टाइम आ गया है। बहुत सारे पीतल के बर्तन मैंने यूज़ किए थे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, उन सब के वीडियोज़ भी मैंने बनाए थे। अगर नहीं देखे तो चैनल पर है, ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उनको भी अरेंज कर देंगे। एक अनादर कार्टन बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया है, तो जितने भी पीतल के बर्तन मैंने यूज़ किए थे डेकोरेशन के लिए उन सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर दूंगी एक कार्टन बॉक्स में, और उसको भी अच्छे से कवर करके रख देंगे, और इस पे भी हम नाम मेंशन कर देंगे ताकि जब हमें इसे ढूंढना पड़े तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो सारे डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और अब हम इसको रख देंगे ऐसी जगह जहाँ हमें इन्हें साल भर तक बिल्कुल छूना भी नहीं है। बिल्कुल आप इसे अपने बेड में रख सकते हैं या फिर अपने लॉफ्ट में भी इसे रख सकते हैं।
सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से अरेंज हो गई हैं, ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब मैं इनको रख दूंगी अपने बेड के स्टोरेज बॉक्स में और अब इन्हें हम निकालेंगे नेक्स्ट ईयर दिवाली पे। इस बार दिवाली पे मैं गई हुई थी अपने ससुराल, और वो भी ट्रेन से। तो ट्रेन में हमारी वन डे की जर्नी थी पूरी, वन नाइट और वन डे की। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो ट्रैवलिंग के बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए थे दोस्तों। इनको मैंने यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। ये बहुत ही परफेक्ट सा ऑर्गेनाइज़र है। इस ऑर्गेनाइज़र में आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लाइक शैम्पू हो गया, हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, या फिर बॉडी लोशन हो गया। ट्रैवलिंग के लिए ये परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र है दोस्तों। अगर आप ट्रेन से फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो ये परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र है। इसमें एक ही बॉटल में चार बॉटल्स आ जाती हैं और ट्रैवलिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो इस ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इसमें सारी बॉटल्स के नाम भी मेंशन होते हैं, इसके साथ एक पूरा स्टिकर आता है, तो उसे आप इसे स्टिक कर दीजिए जो जो चीज़ें आपने इसमें ऑर्गेनाइज़ की है, और आराम से आप एक ही बॉटल में से बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किया था अपने टूथपेस्ट और टूथब्रश को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र मुझे लगा। जब भी हम ट्रेन से जर्नी करते हैं तो टूथब्रश और टूथपेस्ट हमें चाहिए ही होते हैं, तो इसमें आराम से तीन से चार ब्रश अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और एक या दो पेस्ट भी इसमें आराम से आ जाता है। तो ये भी परफेक्ट मुझे लगा, तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी ट्रैवलिंग के ऑर्गेनाइज़र्स को सर्च कर रहे हैं तो ये परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र है, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। नेक्स्ट मैंने परचेस किया था ये ट्रैवलिंग बैग, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी स्पेसियस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, फिर चाहे वो आपके चार्जर्स हो, केबल्स हो, आपके आईपैड्स हो, बहुत कुछ इसमें आ जाता है। बहुत सारे कंपार्टमेंट्स इसमें बने हुए हैं, तो जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स मैंने परचेस किए थे वो सारे तो इसमें आ ही गए थे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ की थी अपने ट्रैवलिंग टाइम के लिए, और ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप भी ट्रैवलिंग के लिए ऑर्गेनाइज़र सर्च कर रहे हैं ना दोस्तों, तो डेफ़िनेटली आप इनको बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने सारे अच्छे से ट्राई किए हैं, उसी के बाद आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ, काफ़ी यूज़फुल है। सो दोस्तों दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।